अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान ग्रॉसरी जो कि बहुत ही लेट की है हमने मैं तो चाह रही थी पहले ही करके आ जाऊँ लेकिन बस कुछ मसरूत की वजह से इतना लेट हो गए और जब आप लेट जाते हैं ना तो फिर तो आपको इतने मसाइल पेश आते हैं एक तो हमें ट्रॉली नहीं मिल रही थी पहले इतनी मुश्किल से हम लोगों ने ट्रॉली ली आपको मैंने शो में क्लिप दिखाया है आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा रश है हमें ट्रॉली लेने में ना तकरीबन पंद्रह बीस मिनट से ज़्यादा तो ट्रॉली लेने में लग गए थे और उसके बाद इतना ज्यादा स्टक हर कोई फंसा हुआ पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट लग रहे हैं आपको ट्रॉली आगे करने में और इतनी ज्यादा रश ना इस तरह लग रहा है कि लोगों ने ना आज कोई बहुत बड़ा महाज सर करना है और सारी दुनिया इस तरह लग रहा था कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर आ गई है यहाँ की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं इसीलिए लोगों का इतना ज़्यादा हजूम होता है बिल आखिर तकरीबन चार पाँच घंटे की जद के बाद हम लोगों ने सारा कुछ ख़रीद लिया था अभी बिलिंग के लिए खड़े थे और शुक्र अलहमदिल्ला कि हमारी ट्रॉली बस बाहर निकलने वाली थी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी ना आज इम्तियाज़ में जब भी मैं गई हूँ इससे पहले मैंने इतने प्रॉब्लम्स फ़ेस नहीं किए इतने ज़्यादा जुड़ जुड़ के लोग चल रहे थे कि जैसे सफोकेशन हो रही थी सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था मेरी अम्मी तो ऐसी जगह पर ना बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हैं तो वो कह रही थी मैं बाहर जा रही हूँ आप लोग अंदर से शॉपिंग करें फिर आ जाइएगा बाहर ना तो यहाँ पे बाहर आके ना अम्मी ने सबसे पहले हमें आइसक्रीम लेके दी थी वरना हम लोग जैसे ही इम्तियाज से ना ग्रॉसरी वगैरह लेते हैं तो फ़ौरन से घर आ जाते हैं यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी आजकल कराची का ऐसा मौसम चल रहा है कि जिसमें ना आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सारी ग्रॉसरी हम लोगों ने निकाली थी और सारी अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ें कि मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ से बाय करके आई हूँ कोई भी चीज़ मुझे सस्ते प्राइस में नहीं मिली नॉर्मल प्राइस जो आपको बाहर मिलते हैं वही इम्तियाज़ में भी मिल रहे थे लेकिन इनकी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने हमालियाँ वालों का पिंक सॉल्ट लिया है ये टेबल पे रखने की बॉटल होती है इसको आप टेबल पे रखें जब आपको चाहिए थोड़ा बहुत जो खाने में कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये बस वैसे ही मैंने ले ली थी वैसे रमज़ान के हवाले से ना इसका इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है तो ये फैमिली मिक्सचर मैंने लिया था टिपाल वालों का हाफ के जी का पैक था पत्ती मैंने ली है ये पहले भी पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो एक और ले लेती ले हूँ ज़्यादा हो जाएगी आपको पता है रमज़ान में दोबारा ग्रॉसरी करने के लिए तो जाया नहीं जा सकता इम्तियाज वालों का चाट मसाला इतना अच्छा होता है जब मुझे नहीं भी जाना होता कोई और जा रहा होता है हमारे रिलेटिव्स में तो फिर मैं कहती हूँ हमारे लिए चाट मसाला लाजमी लेकर आइएगा हाथा के शान वालों के कितने अच्छे मसाले होते हैं तो उसके मसाले से भी ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसकी चाट का फ्लेवर इतना मज़े का बनता है आप इसको ज़रूर एक दफ़ा मंगवा के ट्राई कीजिएगा तो ये है मेरे पास सॉसेज़ हैं छोटे वाले पैक मैंने लिए थे सॉसेज़ के चिली सॉस सोया सॉस और विनेगर ये ऑलरेडी थे तो इसलिए मैंने थोड़े कम ही लिए हैं और ये जो है ना आपको पता है इतना ज़्यादा चाइनीज़ तो बनता नहीं है रमज़ान में आपको पता है हमारी जो अपनी देसी डिशेज़ होती हैं वही बनती हैं साथ में मैंने ली है पूनम वालों की शुगर ये भी बहुत अच्छी होती है इनकी साफ़ सुथरी होती है वन केजी वाले मैंने तीन पैक लिए हैं और जो एक लिया है वो मैंने फाइव केजी वाला बड़ा पैक लिया है रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती है आपको पता है शरबत बनती है डेली वैसे आम दिनों में तो डेली शरबत नहीं बनती और चाय बनती है इसके अलावा तो हमारे घर में इतना ख़ास यूज़ नहीं होता इतना मीठा भी नहीं बनता रमज़ान में नेक्स्ट हम लेकर आए थे वहाँ से बाजरा बाजरा तो हम लाजमी वहाँ से लेकर आते हैं बहुत ही अच्छा बाजरा होता है वहाँ का ये भाई के जो कबूतर हैं उनके लिए या फिर परिंदों को डालने के लिए और अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ टैंक मैंगो वाला ये मेरी अम्मी का बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है ना तो इसलिए लिया था साथ में नोरस भी ली है और इसके अलावा एक हम लोगों ने पाइन ऐपल वाला टैंक भी लिया है ये पाउच अच्छा रहता है कभी दिल नहीं चाहता नोरस पीने का तो फिर आप इसका बना लें जूस बना लें बहुत ही मजे का बनता है इतना अच्छा इसका फ्लेवर होता है मेरा भी मोस्ट फेवरेट है अम्मी के साथ साथ और ये है टमाटो के ये भी आपको पता है सॉसेज़ वग़ैरह अच्छे लगते हैं पकौड़ों के साथ समोसों के साथ केचप तो इसके लिए लिया है चटनियाँ तो बनती ही बनती हैं आपको पता है पाकिस्तानी घरों में अच्छा खाना बनाने के लिए मैंने वाइट रॉक सॉल्ट लिया है ये फर्स्ट टाइम लिया है कोई भी जो मुझे आगे पड़ा हुआ नजर आता है वह मैं फ़ौरन से उठा लेती हूँ इतनी ज़्यादा रश थी ना कि मुझे जो भी चीज़ आगे पड़ी हुई नज़र आ रही थी जो मुझे चाहिए थी बस वो मैं उठा रही थी कोई सिस्टर उठा रही थी अम्मी तो बस ट्रॉली के पास खड़ी थी तो उसके अलावा जो है ना हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो चाहिए थी वो नहीं लेकर आए और ये अभी आपको मैं दिखा रही हूँ मायो मायो भी आपको पता है यूज़ होता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा मेरी यही कोशिश थी वो चीज़ें मैं बाय करूँ जो मुझे रमज़ान में काम आएंगी तो ये जी रमज़ान की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेसन बेसन तो हर घर पर आता ही आता है बड़ा ही अच्छा होता है पूनम वालों का बेसन आप ये सोच रहे होंगे कि वन लीटर की बॉटल इनकी पूरा मंथ कैसे चलेगी तो ये मैंने जस्ट बॉटल की वजह से बाय किया है इसका डिज़ाइन मुझे बड़ा प्यारा लगा था आ, मुझे ये था कि ये जब मैं बॉटल ले लूँगी ना एक दफ़ा तो फिर इसमें जब भी मैं पैकेट वगैरह मंगवाऊंगी तो इसमें ईजीली मैं डाल लूँगी और आसानी रहेगी बॉटल बहुत प्यारी लगी थी वैसे इसका रेट बहुत ज़्यादा था बाहर से और जो नोरस है वो ली थी आपको पता है ये तो मस्ट ही मस्ट है रमज़ान में और ये थे टेबल नैपकिन इनकी कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं थी सिस्टर ने उठा के रख दिए थे नहीं तो अगर मैं देखती तो मैं कभी भी नहीं रखती क्योंकि इतनी ख़ास इनकी कोई ज़रूरत होती नहीं है वैसे दूसरे टिशू पड़े हुए थे दूसरे वाले टिशू भी बाई किए हैं ये टेबल नैपकिन है अगर ये ना भी हो तो इनके बगैर भी आपका रमज़ान गुजर जाएगा और साथ में ये रफ़ान वालों का कस्टर्ड लिया अच्छा कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आपने रफ़ान वालों का क्यों बाय किया है इसका तो बाइकआउट है तो आप यकीन करें कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आ, कुछ है नहीं अच्छा मुझे वहाँ से ना बिरयानी मसाला नहीं मिला मुझे चाहिए था चिकन बिरयानी मसाला तो वहाँ पर मटन था तो इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी ना जो हमें वहाँ से नहीं मिली रश की वजह से अगर थी भी ना तो वो आपको नज़र ही नहीं आ रही थी मिल रही नहीं थी इतनी ज़्यादा रश थी तो ये दोबारा से मेरे पास एक पैकेट और आ गया है वाइट रॉक सॉल्ट का तो इस तरह के शायद मैंने तीन या चार पैकेट बाय किए हैं और साथ में सेला बासमती राइस लिए हैं ये जो है ना रमज़ान में तो यूज़ नहीं करेंगे ये रमज़ान के बाद ही यूज़ होंगे तो बस ये सिस्टर ने लिए थे उसने रख दिए थे नहीं तो उसमें हम लोग सिर्फ सैला जो चावल होते हैं इसकी मीठे चावल ही बनाते हैं तो बिरयानी में बहुत कम अम्मी जो है ना सैला चावल यूज़ करती हैं और साथ में ये एक बंडल अमी ने लिया है माचिसों का माचिस इसलिए बाय किया आपको पता है आजकल हर घर में लाइटर है लेकिन इनको बाय करने का ये रीज़न है कि मॉस्किटो कॉल्स जलाने के लिए आपको माचिसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस वजह से अमी ने एक बंडल माचिसों का भी बाय किया है और साथ में आपने देखा होगा एक और जो है सेलर राइस का पैकेट था टू के जी सेला राइस लिए हैं और सिक्स के जी बासमती राइस लिए हैं डेली जो है हम लोग जो बनाते हैं वो तो पूनम राइज ही हैं बासमती राइस तो सेलर राइस तो डेली नहीं बनते तो जिसके लिए ये मैंने थोड़े कम बाय किए हैं अच्छा ये दो पैकेट मैंने लिए हैं जिप लॉक बेक्स के जिप लॉक बेग्स में आप कुछ भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं आपको पता है रमज़ान में तो काफ़ी कुछ स्टोर करना है तो उसके अलावा भी आपको आम रूटीन में भी काम आ सकते हैं हाफ के जी वाले पैकेट भी लिए हैं और वन के जी वाले पैकेट भी लिए हैं मेरे पास जो बड़े हुए हैं वो बहुत बड़े हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में कोई चीज़ हो तो वो वो रख सकते हैं तो इसके लिए मुझे छोटे चाहिए थे वो भी मुझे नज़र आए तो मैंने वहाँ से उठा लिए और ये कैपरी वालों का थ्री सोप का पैक होता है वो ले लिया है जस्ट थ्री सोप लेने का रीज़न ये है कि मेरे भाई को मंथली कंपनी से सॉप मिलते हैं जिसकी वजह से थोड़े कम लिए हैं और ये हैंड वॉश लिया है ऑसिस वालों को ये भी फर्स्ट टाइम लिया है पहले मैंने यूज़ नहीं किया हुआ तो जस्ट वहाँ पर आगे पड़ा हुआ था और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया था अच्छा नेक्स्ट जो है मेरे पास ये है मैक्स का डिश वॉशर पेस्ट तो पेस्ट पहले मंगवाते थे काफ़ी दिनों से पेस्ट हमारा ख़त्म था नहीं मंगवाया था तो ये मैंने कहा आज मुझे नज़र आया तो यहाँ से मैं ये पेस्ट भी ले लेती हूँ साथ में मैक्स के जो लॉन्ग बार होते हैं वो भी लिए थे मैंने आई थिंक तीन बाय किए थे आपको पता है कितने ज़्यादा शहरी अफ्तारी में बर्तन होते हैं तीन तो कम होंगे लेकिन ये मुझे शायद और भी मंगवाने पड़े क्योंकि बर्तन में ना बहुत ज़्यादा बरकत है इतने ज़्यादा बर्तन होते ना हमारे घर में और ये है टीशू टिशू के ये वाले जो पैक है ना थोड़े सस्ते मिल रहे थे तो फिर मैंने वहाँ से दो ले लिए थे आई थिंक वन फिफ्टी के थे इसी तरह कुछ प्राइस था इससे ज़्यादा के ये नहीं थे मतलब बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे इसीलिए मैंने कहा चलो दो ले लेते हैं यहाँ से एक लिया है पामोलिव का शैम्पू शैम्पू आप हमेशा वही बाय करें जो आपके बालों पे अच्छा चलता है पामोलिव हमारे घर में सबके बालों पे ना बहुत अच्छा चलता है तो इसीलिए हम लोग यही लेते रहते हैं तो ये हमारे बालों को सूट करता है तो आप वही बाय करें जो आपके बालों को सूट करता है साथ में है एक कोलगेट वालों का टूथपेस्ट सर्फ लिया है बोनस वालों का सर्फ का रमजान ग्रॉसरी में कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है लेकिन आपको पता है जब मंथली ग्रॉसरी की जाती है तो उसमें ये सारी चीज़ें बाय की जाती हैं तो सर्फ भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी मंथली ग्रासरी में तीन लेमन मैक्स लॉन्ग बार लिए हैं सुपर बचत के साथ यकीन करें मुझे नहीं पता कि इसमें क्या बचत है या नहीं है इसके साथ मैंने लिए हैं वाइट चिक पीस चने आपको पता है डेली यूज़ होते हैं चाट बनाने के लिए तो वो मैंने काफ़ी सारे लिए हैं बॉईल करके रख दूँगी और डेली जितने मुझे थोड़े थोड़े चाहिए होंगे तो वो मैं लेती रहूँगी बहुत ही साफ़ सुथरे और टेस्टी चने होते हैं इनके ना हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसी वजह से यहाँ पर लोगों को इतना ज़्यादा रश होता है जैसे लोग पागल हो रहे होते हैं ना सामान लेने के लिए तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ना इनके स्टोरों पर बहुत ज़्यादा रश होती है और ये है मेरे पास साबुत धनिया जिसका डेली ही इस्तेमाल किया जाता है और साथ में बेसन है बेसन तीन चार पैक लिए हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत आता है रमज़ान में और ये इस तरह होता है जितना आपको चाहिए एक पैकेट निकाल लें और फिर उसको रख लें जो चाहिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता तो जब तक पैकेट में रहता है ना और वाइट रॉक सॉल्ट का एक और पैकेट आ गया है ये मैंने तीन चार बाई किए हैं उसके अलावा जो है लाल कुटी मिर्च ली है मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लिए मैं वही स्पाइसेस ले रही थी जो मुझे चाहिए थे क्योंकि जब बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो जाते हैं तो फिर वो बासे हो जाते हैं अच्छे नहीं लगते तो यहाँ पर मुझे यही चाहिए थी ये ख़त्म हो चुकी थी बस मैंने एक पैकेट लाल कुटी मिर्च के लिए है साथ में मैंने दोबारा से एक शुगर का पैकेट आ गया है ये वन वन के के पैक भी लिए हैं और फाइव के का बड़ा वाला पैक भी लिया है दालें तो मैंने ना होने के बराबर ली हैं बस ये समझ लें कि बिल्कुल नहीं ली बस एक चना की दाल ली है वो भी इसलिए ली है कि मुझे शामी के बाद हैं और आपको पता है इतनी ज़्यादा रमजान में दालें खाई भी नहीं जाती और बनती भी नहीं हैं तो चने की दाल फिर भी हमारे घर में सारे शौक से खा लेते हैं इसीलिए मैं थोड़ी सी ले आई हूँ ज़्यादा ये भी मैंने नहीं ली और ये बिल्कुल ड्राई ड्राई करके बनाएँ तो वो खाते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा भी ना पतला करके बनाएँ तो कोई नहीं खाएगा तो इसलिए बस थोड़ी सी मैंने चने की दाल ली है और दूसरी कोई भी दाल खरीदी नहीं है और साथ में दोबारा से चने का पैकेट आ गया है चने जो है मैंने छोटे वाले लिए हैं बड़े वाले नहीं लिए क्योंकि वो थे ही नहीं उनका स्टॉक ख़त्म था स्पाइसेस में मैंने हल्दी ली है और इसके अलावा ज़ीरा लेना था लेकिन ज़ीरा बहुत ज़्यादा महंगा था इस वजह से मैंने ज़ीरा स्किप कर दिया है उसकी जगह मैंने गरम मसाला ले लिया था गरम मसाले में भी जीरा होता है मुझे चाहिए था वो बस मैं बाहर लोकल मार्केट से थोड़ा सा मंगवा लूँगी क्योंकि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे थे मुझे इस वजह से वहाँ से फिर मैंने ज़ीरे को स्किप कर दिया था चार पैकेट कुकिंग ऑयल के लिए हैं उसी तरह घी लिया है हमारे घर में पराठे हमेशा घी से बनते हैं तो घी भी हम मस्ट अपनी ग्रॉसरी में लाते हैं उसके अलावा मुझे स्पाइसेस में मीठा सोडा चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मिल रही थी हालांकि मैं लिस्ट घर से पहले से बना के लेके गई थी उसके बावजूद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमसे रह गई थी तो बस ये लेट जाने का ये नुकसान है आपको जब भी ग्रॉसरी करनी हो पहले जाएं और सब कुछ लेकर आ जाएँ ताकि रिलैक्स आप सब कुछ एक एक चीज़ देख के उसके प्राइस देख के आप ले सकें जहाँ पर मैंने गरम मसाला भी लिया है और साथ मैंने लिए हैं आलू बुखारे पूनम वालों के बहुत अच्छे होते हैं और ये जो है ना मैंने इसलिए लिए हैं कि रमज़ान में चटनी बनाने के काम आ जाएंगे आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़े की लगती है रमज़ान में और इसके अलावा आप इसका शरबत भी बना सकते हैं तो बस इसको मैं बिरयानी में यूज़ करती हूँ इसके अलावा शरबत तो बहुत कम ही बनता है हमारे घर में और साथ एक पाइन ऐपल वों का टैंक लिया है ये भी सिस्टर ने उठाया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा फजूल लग रहा था क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी तो उसे ये वाला फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए उसने एक पैकेट अपने लिए उठा लिया है और एक पैकेट और आ चुका है चनों का चने ज़्यादा लिए हैं इसीलिए बार बार इनके पैकेट्स आ रहे हैं और घी तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ घी के भी ज़्यादा पैकेट्स लिए हैं पता है मेरी यहाँ पर ये यह कोशिश थी कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लूँ जो जो चीज़ें रमज़ान में यूज़ होती हैं बस वही वाली काम की चीज़ें मुझे लेनी है और फालतू में कुछ भी नहीं ले रही थी मैंने सारी वही ग्रॉसरी की है जो मुझे चीज़ें रमज़ान में चाहिए और इसके अलावा साथ में लिए हैं फ़ाइव के जी बासमती राइस क्योंकि रमज़ान में हमारे घर में ना राइस डेली बनते हैं भले थोड़े से बनते हैं लेकिन बनते ज़रूर हैं बहुत कम क्वांटिटी में हम बनाते हैं लेकिन डेली बनते ही बनते हैं लाजमी पूरे तीस दिन चावल बनते हैं और उसके साथ शुगर आ गई है शुगर तो आपको मैंने पहले दिखाई है दोबारा से ये फ़ाइव के जी वाला पैक है और वन वन के जी वाले पैक भी साथ में लिए हैं कि आल्पर वालों का फुल क्रीम मिल्क है इसको जो है ना चाय के लिए मैं लेके आई हूँ चाय बनानी है सैरी अफसारी में इसकी मुझे इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है वैसे मेरी अम्मी अबू जो है ना वो डब्बे वाले दूध की चाय इतनी पसंद नहीं करते या क्रीम वाला जो दूध होता है उनको इतना अच्छा नहीं लगता वो जो खुला दूध होता है ना उसकी चाय पसंद करते हैं और आल्पर्स जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट है उसकी चाय बहुत ज़्यादा खुशी से हम सारे बहन भाई पीते हैं सिवाय अमी अबू के तो जी ये थी हमारी रमज़ान ग्रॉसरी होपफुली आपको हमारी रमज़ान ग्रॉसरी पसंद आई होगी रमज़ान ग्रॉसरी के हवाले से आपको एक टिप देती जाऊँ कि अब जब भी ना रमज़ान ग्रॉसरी करने के लिए जाएँ तो हमेशा टाइम से कर लें पंद्रह बीस दिन पहले बेशक चीज़ें लेके रख दें लेकिन आखिरी दो तीन दिन में आपने बिल्कुल नहीं जाना ग्रॉसरी करने के लिए क्योंकि आप रिलैक्स होकर इस तरह खरीद सकते हैं हर चीज़ देख के किस में डिस्काउंट है किस में सेल है कहाँ पर अच्छी चीज़ मिल रही है उस तरह ना आप सब कुछ देख सकते हैं तो अगर आप एक दो दिन पहले जाएँगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला बिल्कुल हमारी तरह और अभी लास्ट डे मुझे ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी करनी है ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो मैं आपके साथ इन फिर कभी शेयर करूँगी बस अभी यहाँ पर जो जो चीज़ें खराब होने वाली थी मैं उनको उठा के फ्रिज में रख रही थी होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए दवाओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़